अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हकीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं सैमसंग फ्लैगशिप डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस की अनबॉक्सिंग। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के बॉक्स में हमें एसेसरीज क्या मिल रही हैं, हम इसकी मेन स्पेसिफिकेशन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस का फर्स्ट लुक दूंगा मैं आपको, देखने में कैसा है, और मैं आपको बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी S10 को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप कहां से बाय कर सकते हैं, प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे, कलर्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आगे। तो चलते हैं वीडियो में आगे और डिवाइस को अनबॉक्स करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। तो स्टार्ट करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस की अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स पे मेन स्पेसिफिकेशन लिखी गई है, कुछ बॉक्स की बैक साइड पे डिफरेंट जबान में लिखा गया है यहाँ पे। तो मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ इंग्लिश समझ में आएगी, बाकी कुछ जबानें अलग अलग हैं इसमें। यहाँ पे लिखा गया है सुपर स्पीड डुअल पिक्सल कैमरा है इसमें 12 मेगापिक्सल का, बाकी गैलेक्सी की वजह से छुप गया है। हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, उसके बाद में आपको उसकी मेन स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गई हमारी डिवाइस और ये मेरे पास प्रिज्म ग्रीन कलर है। डिवाइस को ऑन करते हैं हम सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस। जब तक ये डिवाइस ऑन हो रही है हम बॉक्स की मजीद एक्सेसरीज चेक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक चार्जर है और ये चार्जर हम देख लेते हैं, सैमसंग की तरफ से फास्ट चार्जर है। कितने एम्पीयर का चार्जर है मैं बता देता हूँ आपको, 5 वॉट 2 एम्पीयर का चार्जर है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो ये फास्ट चार्जर आपको एक मिलने वाला है सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के बॉक्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हमें एक OTG कनेक्टर मिल रहा है, OTG 2 Type-C कनेक्टर है यहाँ पे एक। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पे हमें मिल रही है डेटा केबल S10 प्लस के साथ और यकीनन ये एक Type-C केबल है, Type-C केबल मिल रही है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे हमें मिल रही है एक इधर हैंड फ्री जो कि 1 kg हैंड फ्री है, हम इसको भी देख लेते हैं। ये आ गई हमारी 1 kg हैंड फ्री की, हम निकाल लेते हैं इसको। ये हमारे पास कुछ बूफर्स अलग से दिए गए हैं और ये हैंड फ्री है, 3.5 mm जेक है इसका, 1 kg हैंड फ्री। यहाँ पे बॉक्स के अंदर यही एक्सेसरीज हैं, हम देखते हैं और यहाँ पे क्या है। कुछ यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है एक इसका कवर है जो कि इस बॉक्स में था। यहाँ पे हमें सिम इजेक्टर पिन मिल रही है और इस बॉक्स में क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास क्विक स्टार्ट गाइड है, क्विक स्टार्ट गाइड मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ हमें मिल रहा है एक अदर इसका कवर, बैक पाउच है और ये हार्ड प्लास्टिक है, सिलिकॉन कवर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, हमें हार्ड प्लास्टिक कवर मिल रहा है एक S10 प्लस के साथ। बाकी मैं आपको बता देता हूँ जो इसकी बैक साइड पे स्पेसिफिकेशन लिखी गई थी, ये भी हम देख लेते हैं स्टिकर हटा के। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी मेन स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे लिखा गया है 16.3 mm 6.4 फुल रेक्टेंगल डिस्प्ले है और क्वाड HD प्लस डायनेमिक अमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है यहाँ पे। अच्छा, सुपर स्पीड डुअल पिक्सल्स हैं इसके अंदर, कैमरे बताए गए हैं 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है इसमें, f1.5 से लेके f2.4 तक का अपर्चर है यहाँ पे। और इसमें दूसरा कैमरा लगाया गया है, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 16 मेगापिक्सल का जिसमें f2.2 का अपर्चर मिल रहा है। इसी तरह यहाँ पे जो फ्रंट पे कैमरे लगाए गए हैं वो भी 12 पिक्सल्स हैं, 10 मेगापिक्सल का कैमरा है और ये ऑटो फोकस है, f1.9 अपर्चर है। दूसरा कैमरा यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का है, f2.2 अपर्चर है, सेल्फी कैमरा है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है इसके अंदर और 128 GB का वेरियंट है मेरे पास, 8 GB इसके अंदर रैम है। इसी तरह यहाँ पे वायरलेस पावर शेयर दिया गया है, यहाँ पे चार्जिंग शेयर करेगा, वायरलेस चार्जिंग दी गई है और IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है इस डिवाइस, 175 ग्राम इसका वेट है, डायमेंशंस लिखे गए हैं यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं, तो अब हम डिवाइस ऑन करते हैं और डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं। डिवाइस
रेडी हो चुकी है सैमसंग गैलेक्सी एस 10 प्लस इस्तेमाल के लिए। अब हम डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं। प्लस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं, डिवाइस देखने में कैसी है। और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन सेवर्स का डिस्प्ले का मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिवाइस की राइट साइड की। राइट साइड पे हमें यहाँ पे मिलने वाला है एक अदद पावर बटन जिससे डिवाइस ऑन ऑफ की जाएगी। और अगर अप साइड की बात करें तो अप साइड पे हमें मिलने वाली है सिम ट्रे और यहाँ पे हमें नैनो सिम मिलने वाली है। यहाँ पे आप एक वक्त में दो सिम्स लगा सकते हैं या एक मेमोरी कार्ड और एक सिम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे नैनो कार्ड स्लॉट मिल रही है आपको। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की तो लेफ्ट साइड पे हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं वॉल्यूम रॉकर्स और यहाँ पे हमें एक डेडिकेटेड बटन मिलने वाला है बिक्सबी के लिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बटन से बिक्सबी ऑन हो जाएगा। अभी मेरा नेट कनेक्ट नहीं है इसमें। उसके अलावा अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड पे यहाँ पे मिलने वाला है एक अदद ऑडियो जैक मिलने वाला है 3.5 mm का इसमें ऑडियो जैक है। और यहाँ पे एक अदद हमें चार्जिंग जैक मिलने वाला है, चार्जिंग जैक हमें मिलेगा यहाँ पे टाइप सी है। और यहाँ पे स्पीकर्स भी मिलने वाले हैं। तो ये तीनों चीज़ें डाउन साइड पे लगाई गई हैं। इसी तरह अगर मैं बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड आप देख सकते हैं शाइनी है, प्रिज्म ग्रीन कलर है मेरे पास। साइड पे हमें यहाँ पे 3 cameras मिल रहे हैं, यहाँ पे LED फ्लैश मिल रहा है हमें। कैमराज की स्पेसिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। जब तक हम फ्रंट साइड की बात करते हैं, फ्रंट साइड पे यहाँ पे मिल रहा है 6.4 inch का डिस्प्ले जो कि डायनेमिक एमोल्ड डिस्प्ले है। यहाँ पे सुपर एमोल्ड नहीं लगाया गया, डायनेमिक एमोल्ड डिस्प्ले लगाया गया है जिसके रेजोल्यूशन और कलर्स मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं। 16 mm कलर डिस्प्ले है, QHD प्लस डिस्प्ले लगाया गया है। यहाँ पे HDR 10 प्लस स्क्रीन है, इन्फिनिटी जीरो डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको फ्रंट पे 2 holes मिलेंगे, 2 cameras मिलेंगे, 2 होल कैमरे हैं यहाँ पे। और मैं आपको कैमरे के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे रेजोल्यूशन जो हमें मिलने वाला है 1440x3040 पिक्सल्स का मिलने वाला है। 522 PPI की पिक्सल डेंसिटी में मिल रही है डिस्प्ले के अंदर। Galaxy S10 Plus के अंदर जो हमें फ्रंट पे कैमरे मिलने वाले हैं, यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप है। एक 10 megapixel कैमरा मिल रहा है जिसमें आपको f1.9 का अपर्चर मिल रहा है। इसी तरह आपको दूसरा कैमरा 8 megapixel का कैमरा मिल रहा है। यहाँ पे RGB डेप्थ सेंसर कैमरा लगाया गया है, इसमें f2.2 का अपर्चर मिलेगा आपको। इसी तरह अगर बैक साइड के कैमरे की बात करूँ तो यहाँ बैक साइड में हमें 3 cameras मिल रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला कैमरा हमें मिला है 12 megapixel का जिसमें f2.4 का अपर्चर है, ये वाइड एंगल कैमरा है। इसी तरह हमें दूसरा कैमरा मिला है 12 megapixel का, इसमें f2.4 का अपर्चर है, ये टेलीफोटो लेंस है। तीसरा कैमरा हमें 16 megapixel का मिल रहा है f2.2 के अपर्चर के साथ, अल्ट्रा वाइड कैमरा है। तो इस तरह हमें यहाँ पे 3 cameras मिल रहे हैं विद LED फ्लैश। सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के अंदर जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है वो सैमसंग का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है One UI सिस्टम सैमसंग ने अभी इंट्रोड्यूस किया है। 1.1 वर्जन है सैमसंग One UI का, 1.1 वर्जन है। और उसमें जो हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 मिल रहा है, एंड्रॉइड 9 पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है एंड्रॉइड वर्जन। सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस जो मेरे पास वेरिएंट है 8 GB रैम विद 128 GB रोम का वेरिएंट है। और यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, 512 GB तक का मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है ये डिवाइस। इस तरह अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के अंदर जो चिपसेट लगाई गई है वो एक्सीनोस 9820 की चिपसेट लगाई गई है। यहाँ पे ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको मिलेगा। इसके अंदर GPU मिलने वाला है आपको माली G76 का। सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के अंदर आपको अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। और यहाँ पे इस डिवाइस के अंदर आपको फेस अनलॉक भी मिलने वाला है। इसी तरह का सैमसंग गैलेक्सी S10 की बैटरी की हम बात करें तो यहाँ पे 4100 mAh की बैटरी मिलने वाली है जो कि 15 W पे चार्ज करेगी डिवाइस को, वायरलेस चार्जिंग भी और चार्जर के साथ भी, तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है डिवाइस। तो ये थी अनबॉक्सिंग सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस की। डिवाइस आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप बाय करना चाहते हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप बाय कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह S10 अनबॉक्सिंग करेंगे हम, और देखेंगे S10 देखने में कैसी है, उसकी मेन स्पेसिफिकेशन डिस्कस करेंगे, बॉक्स की एसेसरीज चेक करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।